सभी भाइयों को एसएल चौधरी की तरफ से नमस्कार। दोस्तों, ये जो आज मैं आपको एक वीडियो बता रहा हूँ, ये राजस्थान के पुष्कर जो मेला लगता है पशुओं का, बहुत बड़ा मेला होता है राजस्थान में, बहुत ही बड़ा, जहाँ पे बहुत सारे पशु घोड़े सब बिक्री के लिए भी आते हैं, और यहाँ पे गायों का स्पेशली जो गिर है उनका कंपटीशन भी होता है। तो ये क्लिप्स मेरे को एक भाई ने भेजी थी, जो मेरा दोस्त है उसने बनाई थी क्लिप्स, क्योंकि मैं पुष्कर मेले में नहीं गया था। तो मैं आपको इस वीडियो के बारे में और बताऊं, उससे पहले मैं कहूंगा कि जो भी भाई चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ में लगे हुए बेल आइकन यानी कि घंटी के निशान को भी ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ये गिर गायों का कंपटीशन चल रहा है, ये राजस्थान के अजमेर ज़िले में पुष्कर, जो कि ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ पे ये कंपटीशन होता है पुष्कर में। तो वहाँ पे ये गायें आई हुई थी। राजस्थान में भी जो अजमेर ज़िला है उसके आसपास के एरिया में भी काफ़ी अच्छी और बेहतरीन गिर गायें पाई जाती हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, काफ़ी शानदार गायें हैं मेरे हिसाब से। तो ये गायें, दोस्तों मैं बता दूं आपको कि बहुत ही शांत होती है गिर, ये तो मैं बता भी चुका हूँ आपको वैसे भी। तो ये कंपटीशन चल रहा है, ये गायें शायद 18 से 20, 20 से ऊपर भी हो सकती हैं, 20 प्लस से ऊपर भी गायें हैं, और काफ़ी शानदार गायें हैं। तो ये कंपटीशन कब होता है दोस्तों, इसके बारे में मैं बता दूं कि जब कार्तिक महीना आता है, जो उस महीने में होता है, कार्तिक महीने में कौन सी तारीख नहीं होती, शायद ये तारीख से नहीं होता, शायद मेरे हिसाब से ये तिथि वो हिंदू कैलेंडर जो होता है उस हिसाब से होता है। ये कब होता है, जब होगा तब मैं आपको इसका पोस्ट डाल दूंगा। अब की बार मेरे को भी जाने का इरादा है पुष्कर में, बहुत ही शानदार गायें आई हुई थी, भाई ने बताया मेरे को, और वीडियो में भी आपको दिख रही होगी कि बहुत ही बेस्ट गायें हैं, जो प्योरिटी होनी चाहिए गिर में वो सारे करेक्टर्स लिए हुए हैं सब गायों ने। ऐसा नहीं कि गुजरात की गायें ही गिर में मानी जाएगी, बाकी राजस्थान के जो अजमेर ज़िला है वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी गायें मानी जाती है, और यहाँ पे इस गाय को अक्सर तया राजस्थानी भाषा में रेंडी गाय बोला जाता है। रेंडी का मतलब होता है कि इनका सर बड़ा होने के कारण और सींग बड़े होते हैं, तो इस कारण इनको रेंडी बोला जाता है। तो कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट्स बॉक्स में बताना, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और व्हाट्सएप फेसबुक पे भी शेयर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।